जय महाराष्ट्र लोको दोस्तों, आपका स्वागत है अपने जय महाराष्ट्र वाशिंग सेंटर चैनल में। जो अभी एक नया ऑर्डर जा रहा है जो कर्नाटक में है और कारवार में जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं प्लेंजर पंप 3 HP का सिंगल फेस मोटर CI बॉडी में। ये अभी मैंने चेक करने के लिए वायर लगाया है। जो वायर कैसा लगाने का, इसका मैंने मार्किंग करके रखा है इसमें कि वायर किस तरह कौन सा पॉइंट में लगेगा। तो जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने मेरे पे भरोसा करके देख सकते हैं ऑर्डर दिया है मेरे को। तो आप लोग बिंदास रहिए, आपका 1-2 दिन उधर इधर उधर जा सकता है, पर आपका 100% आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपने जो ऑर्डर किया है वो आपके पहुंचा दिया जाएगा। तो उसी के साथ में हाई प्रेशर गन अपना जो सोयल वाला, ये नोजल और एक सेक्शन पाइप, ये जो है मैंने लगाया, अभी मेरा चेकिंग के लिए लगाया है, ये उनका पाइप है। इसमें आपको 10 मीटर पाइप दिया जाता है, फोम बॉटल, गन वगैरह पूरा एक्सेसरीज देके जाता है। उसी के साथ में ये एक हमारा एनको का स्पेयर गन है, इसका मैं आपको बाद में इसका बताऊंगा, ये मेरा है। तो इसमें जो हमारा बा हमारे जो बात सुनते हैं कि भाई लोग जो हमको सर अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, और उसका क्या है, उसका हमने क्या जुगाड़ किया है, क्या ज़बरदस्त काम करता है। वीडियो आते रहेंगे, आप देखिए। ये एनको का है, बेस्ट बेस्ट कंपनी का है एकदम, मैं भी अभी लगा चुका हूँ। उसी के साथ में इसमें हमने वैक्यूम क्लीनर दिया है जो अमेरिकन माइक्रोन का है, अच्छा क्वालिटी का है, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आप लोगों को देने की मैं कोशिश करता हूँ। उसी के साथ में जो सर का अभी नया स्टार्टअप है, तो उसी के साथ में जो दो जो है माइक्रोफाइबर टॉवल मैं दे रहा हूँ। उसी के साथ में सर के लिए अभी नया गाड़ी धोने के लिए टॉवेल वगैरह जो भी है सब वो मेरी तरफ से दे रहा हूँ मैं, देख सकते हैं। उसी के साथ में 35 लीटर का जो फोम शैम्पू है जो उनको दे रहा हूँ मैं, अच्छा क्वालिटी का है, वो भी दे रहा हूँ। आप लोगों को प्रेशर भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से प्रेशर काम करता है, और जो भी पार्ट है, जो भी ऑयल चिल किट वगैरह है वो सब इसका आप लोगों को मिलता है। सब जो भी चीज़ है वो जो इसमें लगता है वो हमने अभी बना के लाया है। कुछ लोग जो यूट्यूब पे जो भी बोलते हैं, तो जो आप लोगों का अलाइनमेंट सही नहीं रहेगा इसका, जो ज़्यादा होशियार समझते लोग जो सर बोलते हैं कि आप मुझे पूरा सेटअप मत दीजिए, मेरे पास मोटर है आप सिर्फ पंप दे दीजिए, बाकी का मैं कर लूँगा, तो वो ज़्यादा दिमाग लगाते। तो उसके बाद में क्या हो जाता है, जो उनका स्टैंड है वो बराबर अलाइनमेंट नहीं कर पाते, तो उसके कारण से यहाँ से प्लेंजर में से जो ऑयल निकलता है जो से बराबर अलाइनमेंट नहीं होने के कारण, तो जो ये स्टैंड है, तो मैं अभी जो भी हमारे से लेते तो उनको मैं कंपलसरी किया हूँ कि सर देखिए आप जो भी स्टैंड बनाते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करता है। फिर मेरे को ही बोलते हैं कि सर आप सही तरह से काम नहीं करते हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो देखिए पंप बहुत अच्छा है, मैं भी अभी अभी लगाऊंगा, ये मेरा पंप है अभी, इसका भी मैं अभी तो मैंने तो फीमेल में लगाया है। तो इसमें मैंने उसको तो मैं बताया था कि आपको इसमें 28 mm का जो भी मोटर का जो शाफ्ट है, जो ये वाला शाफ्ट है वो उसमें 28 mm का कंपलसरी है उसमें। तो इसमें मेल में लगाने का फ़ायदा क्या है, आपका मोटर कौन सा भी लीजिए, 24 mm का लीजिए, 28 mm का लीजिए, या आपको इसमें पुल्ली में चलाना है पुल्ली में चलाइए, इंजन पे चलाना है इंजन पे चलाइए। जो मेल प्लेंजर में आपको सभी तरह के जो ऑप्शन है आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से फिल्टर वगैरह दिया है इसमें, QRC का हमने लगा के दिया है भाई को मशीन बचाने के लिए। उसके बाद में हम आप लोगों को बताते कि आपको जो पानी का टाकी है वो कहाँ बिठाना है, कैसा कनेक्शन करना है, क्या नहीं करना है। जब आपका कंफर्म हो जाता है हमारा, जो हम लोग सब आप लोगों को गाइड करते रहते हैं बीच बीच में, तो आप लोग अभी चलो मेरे को भी इनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप लोगों को दिखा दो इसका प्रेशर किस तरह से आ रहा है। तो देख सकते हैं मशीन चालू हो गया है।
तो देख सकते हैं इस तरह से मशीन काम कर रहा है, एकदम सब बढ़िया तरह से हो चुका है हमारा काम। देख सकते हैं, तो अभी मैं मशीन बंद कर देता हूँ, ज़्यादा मेरे को अभी टाइम नहीं है। मशीन आपको मैं वीडियो में सब बातें बताऊँ क्योंकि मेरे को उनको भेजना भी है। तो जो लोग हमारी बात सुनते हैं कि सर मेरे को अच्छा मोटर दीजिए, जो मैं देता हूँ, सब लोगों को पता है कि मैं पहले ही बोलता हूँ सर आपको मोटर कौन सा लगाना है, तो वो आपके ऊपर रहता है। कोई बोलता है कि मेरे को सस्ता वाला दीजिए, कोई बोलता है सर मेरे को अच्छे से अच्छा क्वालिटी दीजिए। तो आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी में डालते हो तो CI बॉडी ज़रूर डालिए, मेरे से लीजिए या मत लीजिए, आप CI बॉडी एक बार डाल के ज़रूर दीजिए। जिसका जो इसका हीट है ना, ये बहुत कम होता है, जब मशीन चलता है ना तो इसका हीटिंग बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो और ये कूलिंग भी जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं आपको CI बॉडी का बोलता हूँ। और जो पाइप बॉडी है, जो इस तरह से आता है जो पाइप बॉडी, वो ज़्यादा हीट होता है और जलने का भी चांसेस ज़्यादा आ रहा है, मेरे को ऐसा कंप्लेंट आ रहा है उसमें। तो चलो अभी भाई को भी डाल देते हैं। हाँ, और एक बात है कि किसको लगता है कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट महंगा है, आपको सस्ता मिलता है तो वहाँ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई। हाँ, मैं तो सभी को लोगों को बोलता हूँ, भाई देखिए मेरे पास है तो मैं भी दुकानदार से जो भी परचेस करता हूँ, पर आपको बाद में जो दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम है, वो मैं आपका जो सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ। जिनको लगता है कि मेरे पास महंगा है तो मत लीजिए, और जिनको भरोसा है कि ये बंदा ज़रूर मेरे को जो भी गाइड है वो अच्छी तरह से करेगा, जो भी पार्ट वगैरह है वो मैं ज़रूर आपको अवेलेबल करता हूँ। और सबको पता है कि भाई जितना भी मैं दिया हूँ, जिसको अभी तक मेरे को ऐसा काम करके देता हूँ कि बाद में कोई मेरे सर खाए नहीं, क्योंकि मैं मेरे काम में रहता हूँ, मेरा दिमाग खाने का मेरे को किसी बार टाइम नहीं था, मैं तो फ़ोन भी नहीं टाइम पे उठा पाता हूँ लोगों का, तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना दे इसलिए मैं अभी अच्छा काम करके देता हूँ। चाहे बाद में थोड़ा सा पैसा 19-20 होता है, पर उनका जो प्रॉब्लम है वो मैं एक ही बार में सॉल्व कर देता हूँ। जो इस तरह से मैं करके देता हूँ, भाई को बोला था सर आप दो पैसा थोड़ा ज़्यादा दीजिए, मोटर अच्छा डालिए, आपको लाए बाद में जो भी आपको प्रॉब्लम बहुत कम आएगी। तो उन्होंने मेरे को सुना था, जो मेरी बात को अच्छी तरह से सुनता है वो उनके लिए भी मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करता हूँ। जैसे कुछ केमिकल वगैरह है उनके लिए मैं देने की कोशिश करता हूँ, वो भी फार्मूले के साथ। उनको बोला था सर ये अभी मैं आपको प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, उसके साथ मैं आपको फार्मूला भी मैं आपको दे दूंगा। तो बोले सर ठीक है, आप मेरे को अभी फ़िलहाल तो मशीन भेज दीजिए, जो भी आपको प्रोडक्ट है वो बीच बाकी जो भी अभी बहुत सारे है तो मैं ज़रा ओपन नहीं करता, बाद में उनको भेज दिए जाएंगे। और उसी के साथ में सर ये देखिए आपका ये मोटर का वारंटी कार्ड है, 1 ईयर्स का वारंटी कार्ड है इसका मोटर का, जो इसी के साथ में रखा है मैंने। तो अभी मैं फ़िल्टर, ये मीटर और जो अनलोडर वगैरह जो सामान है जो ट्रांसपोर्ट में डैमेज होने की जो चांसेस है वो मैं निकाल देता हूँ, आपको इसमें पैक करके दे देता हूँ। तो चलो दोस्तों अभी इनको भी ऑर्डर डालना है, बाकी के बहुत सारे ऑर्डर है उनके भी जाने हैं। तो जिनको मेरे पे भरोसा है वो उनका मैं भरोसा कभी तोड़ूंगा नहीं, और जिनको लगता है मेरे पास महंगा है ज़्यादा पैसा लेता है वो कृपया करके मुझसे ना लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का सर्विस स्टेशन एकदम अच्छी तरह से चलता है, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आप ही से मेरे को दो पैसा मिलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे को। थोड़ा मेरा खुद का है, देखिए मेरा तो खुद का इतना झमेला है, अभी मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। अभी आप लोगों को वीडियो में बता दी जाए कैसा कैसा मैं अभी इसमें छोटी सी जगह में कैसा एडजस्ट करूँगा। तो चलो जय मास्टर दोस्तों, मिलेगा अगले वीडियो में, बुरा मत मानिए, जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ मैं, थोड़ा सा ज़रूर गुस्सा आएगा आप लोगों को, पर एकदम सही बोलता हूँ मैं।